अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 एंड 10। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम 4.5 अपनी हम कंप्लीट कर चुके थे। नाउ टुडे वी आर मूविंग टुवर्ड एक्सरसाइज नंबर 4.6। ठीक, तो जो एक्सरसाइज 4.6 है आपके पास वह है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। आपने अब करना क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन का थोड़ा काम है, आपने इस चीज़ को फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं थोड़ा सा, और फिर आपने अपने क्वेश्चन को इख्तिताम पज़ीर करना है। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या सॉल्व, क्वेश्चन हमारे पास क्या था रिक्वायर्ड जो मौजूद है, ए बी सी माइनस डी स्क्वायर, ए बी सी प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब ज़रा नेक्स्ट देखिएगा। अब आपने यहाँ पे देखें, आपको स्टूडेंट आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, कौन सा ए माइनस बी और ए प्लस बी। अच्छा, इन फॉर्मूले का जो है इसमें काफ़ी हद तक काम है, जो कि बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब आपने ये देखना है कि आपको ए माइनस बी ए प्लस बी कहाँ मौजूद है, और फिर उसके बाद आपने ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर जो है वो आपने बनाना है। ठीक, तो आप ज़रा देखिएगा किसी भी ब्रैकेट का फर्स्ट ब्रैकेट, दिस इज ए, ए माइनस बी डी स्क्वायर बी हो गया, ए बी सी ए डी स्क्वायर बी हो गया। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखें, मैं कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ। ए स्क्वायर का मतलब ए बी सी का होल स्क्वायर, देन फॉर्मूले का माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, और जो आगे वैल्यू है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, वो एज इट इज रखें। आप देखें ज़रा आपने करना क्या होगा, यहाँ पे आपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, क्योंकि जो टू है आपके पास बाहर पावर, ये ए पे भी है, बी पर भी है, और ये सी पर भी आपको जो है वो अप्लाई हो रही होगी। सेकेंड आप देख लें, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, टू टू ज़ा फोर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पे आपके पास अगेन फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अच्छा, जब जब देखें आप यहाँ पे आप लगाएंगे तो उसको मेंशन कर लें, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और स्टूडेंट्स जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल 110% क्लियर हो जाए तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखें और वैल्यूज़ लिखेंगे। तो ए क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और बी क्या होगा, डी फोर। ए क्या होगा आपके पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, डी क्या होगा, बी की पावर डी की पावर डी की पावर जो है वो आपके पास टू टू द फोर था, डी की पावर फोर है, पावर सही कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, डी की पावर फोर। अब ज़रा गौर से देखिएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, अब इसको फॉर्मूला बनाना है आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कर्ली ब्रैकेट आप ओपन करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, इसका आपने होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या है, डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला अप्लाई कर लें, टू टू द फोर टू टू द फोर टू टू द फोर, मतलब ए फोर बी फोर सी फोर, और आपके पास यहाँ पे डी फोर था, तो फोर टू सा कितना हो गया, एट। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा पावर आपने ठीक कर लेनी है, यहाँ देखिए पावर फोर चलती हुई आ रही है। ठीक है, पावर फोर है, और जब यहाँ फोर मल्टीप्लाई बाय आप टू करेंगे तो फोर टू सा कितना हो गया, एट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आपके पास इसका सेकेंड क्वेश्चन है, वो भी ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर टू, ठीक, क्या है आपके पास, x प्लस वाई प्लस जेड, और सेकंड क्या है आपके पास, x प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप ये देखिएगा, x प्लस वाई एक वैल्यू ब्रैकेट z, ठीक है, क्लोज करा, x प्लस वाई एंड देन माइनस जेड। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो आप जरा और से स्टूडेंट देख लीजिएगा, डायरेक्ट अप्लाई कर दें, आपकी मर्जी है। तो ए, ठीक है, और ये बी हो गया हमारे पास, एक्स प्लस वाई ए है और ये बी। ठीक, तो फॉर्मूला ज़रा देख लें कौन सा हो रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। सही, बराबर किसके होता है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि ए आपके पास क्या है, तो ए आपके पास एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, सही, और बी फॉर्मूले का माइनस, और बी आपके पास क्या है, जेड का स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखें एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट, वो फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा किसके, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर।
सही। अब देखिए इसमें ए क्या होगा एक्स और बी क्या होगा वाई, ठीक है, क्योंकि सेपरेट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ देख लीजिएगा ए क्या है एक्स है, विच मीन्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू, ए का मतलब एक्स और बी का मीन्स क्या हो गया वाई, प्लस बी स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर माइनस, अब जिस जेड का स्क्वायर जो आप इसको ऐसे रखिएगा, ओपन कर रहा हूँ जेड स्क्वायर, तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। अब आप अरेंज कर लें इसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस का टू एक्स वाई, ठीक है। ऑलरेडी ये भी आपके पास अरेंजिंग था, तो अगर आप वैल्यूज में अरेंज करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, दोनों ठीक है। ऐसे चाहो तो ऐसे लिख लें स्टूडेंट्स, या चाहे तो आप ये लिख लें, दोनों ही वैलिड हैं, ठीक है। यहाँ वेरिएबल एक्स वाई जेड हमने स्वीच में कर दिया, वहाँ जो है वेरिएबल जो है वो हमने वो पूरा यहाँ देखिए गया फॉर्मूला बन रहा है, वापस अगर आप इसको कंटिन्यू करोगे तो आपका क्वेश्चन बन जाए। अच्छा अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री कितना है आपके पास, टू माइनस एक्स क्यूब टू प्लस एक्स क्यूब फोर प्लस एक्स की पावर सिक्स, ठीक है, और फिर सिक्सटीन प्लस एक्स की पावर ट्वेल्व। तो स्टूडेंट जरा आप गौर से देखिएगा, यहाँ पे आपके पास ग्रेटर वैल्यूज हैं, ठीक है, विच मीन्स फोर आपके पास वैल्यूज हैं। तो पहली वैल्यू क्या थी, टू माइनस एक्स क्यूब, सेकेंड क्या थी आपके पास टू प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा फोर प्लस एक्स की पावर सिक्स एंड देन सिक्सटीन प्लस एक्स की पावर ट्वेल्व। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, देख लें ए माइनस बी ए प्लस बी, चाहे तो आप इसको मेंशन करवा सकते हैं स्टूडेंट, चाहे तो आप नहीं करवाएं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो फिर आप इसको आगे मूव करें, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए क्या होगा यहाँ पे टू और बी क्या होगा एक्स क्यूब, ए टू है और बी क्या होगा एक्स क्यूब। तो यहाँ गौर से देख लीजिएगा, टू का स्क्वायर माइनस बी का मतलब एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, कर रही ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे सेकंड वैल्यू देखें, फोर प्लस एक्स की पावर सिक्स एंड देन सिक्सटीन प्लस एक्स की पावर ट्वेल्व। अब जरा देखें टू टू सा कितना हो गया स्टूडेंट्स फोर, सही, और थ्री थ्री सा आपके पास यहाँ देख लीजिएगा पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो थ्री टू सा कितना हो गया x की पावर सिक्स, ठीक है। और बाकी जो वैल्यूज है वो ऐसे ही लिख रहा हूँ, फोर प्लस एक्स की पावर सिक्स एंड देन सिक्सटीन प्लस एक्स की पावर ट्वेल्व। अच्छा स्टूडेंट जरा गौर से देखें, यहाँ पे आपको अगेन फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, वंस अगेन तो आप मैंशन करवा दें, ए स्क्वायर आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए माइनस बी ए प्लस बी, ऐसे भी आप फॉर्मूला जो है वो लिख सकते हैं, इसमें कोई आपको परेशानी या प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक। अब जरा देखें यहाँ पे ए आपके पास 4 है और बी क्या होगा x6, तो सिमिलरली ए 4 है और बी क्या होगा x6, तो कर्ली ब्रैकेट 4 आपने एज इट इज रखना है, ठीक है, 4 का स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस और बी कितना है x6 का स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, 16 प्लस x12। अब जरा देखें 4 4 का कितना हो गया 16 माइनस 6 2 का कितना हो गया 12, 16 प्लस x की पावर 12। अब वन सेकेंड देखें, फिर दोबारा फॉर्मूला ओपन हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला ओपन है आपके पास, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब आप इसको लगा लें, मतलब फॉर्मूला मेंशन कर दें, ए माइनस बी एंड देन ए प्लस बी इक्वल होता है किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ज़रा गौर से देख लीजिएगा, ए आपके पास कितना है 16 और बी कितना है एक्स की पावर 12, ए 16 बी कितना है एक्स की पावर 12। तो सिमिलर आपने करना क्या है, आप ज़रा देख लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है, कर्ली ब्रैकेट 16 का स्क्वायर माइनस और b कितना है आपके पास x12 का स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना आएगा 256, ठीक है। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स कितना आ गया 256 माइनस, अब पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, 12 टू से कितना हो गया 24, ये आपके पास स्टूडेंट्स आंसर है, ठीक है। तो देखें किस तरीके से हमने कितनी खूबसूरती के साथ और स्टेप बाय स्टेप हमने सवाल को जो है वो ओवरऑल कंप्लीट किया है। तो स्टूडेंट्स आपने भी बिल्कुल इसी प्रॉपर वे को आपने जो है वो देखना है, क्योंकि बेसिकली मैथ्स में जो स्टेप जो आपके पास मार्क्स होते हैं वो स्टेप्स के होते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं छोड़ा, हर फॉर्मूला अप्लाई किया, जब लगाया तो उसको भी मैंशन किया हमने, तमाम वैल्यूज आप देखें, इतना हमने इसको सिंप्लीफाई किया, इतना समराइज किया कि देखें आंसर आपके सामने मौजूद है, बिल्कुल सेम वे आपने इसी तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है, इतनी सफाई से काम करना है।